उज्जैन जिला मुख्यालय पर लगातार दो वर्षों की सफलता के बाद इस बार भी लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति द्वारा मिट्टी से बने गणेश जी की मूर्ति का वितरण शहर के सामाजिक संस्थाओं ने किया। शहर में लगातार लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति द्वारा अभियान पर्यावरण संरक्षण और पीओपी मुक्त शहर को बनाने के लिए वर्ष भर सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से स्कूल कॉलेजों और कई संस्थानों पर मिट्टी की प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले 3-4 माह से भी शहर के विभिन्न स्कूल कॉलेज और अन्य संस्थानों में मिट्टी के गणेश बनाने की कार्यशाला लगाकर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने मूर्ति बनाना सीखा और मूर्ति घर ले गए। अपने घरों में वे ही प्रतिमाओं की स्थापना करेंगे जो आज शहर के 25,000 से ज़्यादा घरों और सार्वजनिक मंडलों में मिट्टी के गणेश विराजमान होंगे। इसके अलावा 311 प्रतिमा सार्वजनिक मंडलों को मंडी परिसर में वितरित की गई। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। मिट्टी के गणेश जिसकी 311 मूर्ति करीब 4 फीट बड़ी हम वितरण करते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है मिट्टी के गणेश जी घर घर में स्थापित हो, यह हमारा कार्यक्रम सांकेतिक है। इसको जन आंदोलन बनाने के लिए समाज की सारी संस्थाएं जुड़ रही है, अनेकों संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही है। और कई ध्यान में आया कि उज्जैन में 50% से अधिक लोग अब मिट्टी के श्री गणेश जी बिठाने लग गए हैं। हमारा ये आंदोलन जब तक बंद नहीं होगा, यह कार्यक्रम जब तक बंद नहीं होगा जब तक हम इस शहर के अंदर पीओपी का समूल विनाश न कर देते, नाश न कर देते। और पीओपी की मूर्तियां बनाने वालों से भी हम आग्रह करते हैं कि वे नवंबर दिसंबर से ही मिट्टी की मूर्ति बनाना प्रारंभ कर दें। उनके काम में यदि हम कहीं सहयोग आ सकते हैं या शासन और प्रशासन का कहीं सहयोग लगता है तो हम बातचीत करके शासन और प्रशासन का सहयोग दिलवाएंगे। और आशा और विश्वास करते हैं कि उज्जैन की जनता मिट्टी के गणेश जी बिठा करके जैसे नदी को संरक्षित करेंगे, नदी को प्रदूषण से मुक्त करेंगे, पर्यावरण रखेंगे प्रदूषण से, और इस उज्जैन को हरा भरा और सुंदर बनाने में लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें सब सहभागी बने, इसी अपेक्षा और इसी आशा के साथ हम इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। हमने 51,000 से अधिक मिट्टी के छोटे गणेश जी विद्यार्थियों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, मोहल्लों के माध्यम से इस काम को हमने पूर्ण किया है और आगे भी यह कार्यक्रम विधिवत चलता रहेगा। और करीब करीब हमने इन 3 सालों में 700 से अधिक कार्यशाला लगाई है, जिन कार्यशालाओं में अनेकों विद्यार्थियों ने गणेश जी बनाने का काम सीखा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।